देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। झारखंड के जमशेदपुर सीट से विद्युत वरण महतो को एक बार फिर बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। महतो को टिकट मिलने के बाद से उनके ऑफिस में समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यकर्ता एक दूसरे को मुंह मीठा कर खुशी का इजहार करते नजर आए। वहीं टिकट फाइनल होने के बाद विद्युत वरण महतो ने पार्टी के बड़े नेताओं का शुक्रिया अदा किया है। महतो ने भरोसा जताने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि वो 10 साल से जनता की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, आदरणीय गृह मंत्री भाई अमित शाह जी का और जितने भी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य सभी को मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने तीसरी बार जमशेदपुर का नेतृत्व करने का मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ पार्टी कार्यकर्ता मेरा समर्पित कार्यकर्ता है और जिसका ईमानदारी और लगन और लड़ाई में हमेशा पिछले 10 साल मेरे साथ कंधे से कंधा मिलता है। सूख हो धूप हो धूप हो छाव हो हर वक्त मेरा साथ रहा और जनता का भी मैं हृदय से वार प्रकट करना चाहता हूँ कि वो लोग लगातार जो है इसको अवसर देने का काम किया और मैं हम लोग ईमानदारी से सेवा की और भविष्य में भी इस मौके को हम लोग सेवा के रूप में लेंगे ताकि जन जन का बहुत ही आकांक्षा रहती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि अंत तक समस्या का निदान हो और सबकी मन में भावना एक ऐसा हो कि इससे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह पूरा विश्व स्तरीय उन्होंने अपना नाम का डंका बजाया तभी संभव हुआ जब उनके बताए हुए रास्ते पर सभी कार्यकर्ताओं ने तन मन धन के साथ समर्पित भावनाओं में देश की सेवा करने का रुचि दिखाया और किया। इसका परिणाम स्वरूप उन्होंने नारा दिया आपकी बार 400 बार और अब जो है हम लोग अगला कदम यही करेंगे। सुदूर शहर से लेकर देहात तक जो भी जन समस्या होगा उसको हम लोग निदान करने का प्रयास करेंगे। साथ साथ पब्लिक के साथ कभी हम लोग एहसास होने नहीं दिए कि हम सांसद हैं कोई और है। हम लोग कोशिश करेंगे परिवार के सदस्य होकर पूरी लोकसभा के हम लोग सेवा भावनाओं में लोगों के बीच में जाएंगे और सेवा करेंगे जो पिछले 10 साल में हम लोग। विद्युत वरण महतो तीसरी बार जीत का दावा कर रहे हैं लेकिन ये तो जमशेदपुर की जनता ही तय करेगी कि जीत का राज तिलक किसके ललाट पर लगेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।